नमस्कार सभी को। और आज मैं बात करने वाला हूँ संदेश झिंगन भाई के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि संदेश भाई क्रोएशियन लीग में सिबनिच एफसी से खेल रहे हैं और पिछले कई मैचों से उनको प्लेइंग टाइम ही नहीं मिल रहा है, लगे तो डेब्यू भी नहीं मिला अभी तक। तो कई इंडियन फैंस जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं और सिबनिच एफसी जो है उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि आप संदेश झिंगन भाई को खिला नहीं रहे हो। तो मैं इस बारे में एक चीज़ है जो क्लियर करना चाहता हूँ। तो भाई आप देखिए कि क्रोएशियन लीग मतलब कि कोई कंपेयर ही नहीं है इंडिया और क्रोएशिया का फुटबॉल में, नो कंपेरिजन, ठीक है। अब संदेश भाई वहाँ पे है, ठीक है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। संदेश भाई क्रोएशियन लीग में गए हुए फर्स्ट डिवीज़न में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे प्लेइंग जीतना और टीम में जगह बनाना ये बहुत टफ काम है। आपने देखा होगा छेत्री भैया भी गए थे स्पोर्टिंग लिस्बन, लेकिन वहाँ पे उनको मैचेस नहीं मिल पा रहे थे, है ना, इवन रिजर्व टीम में उनको मैचेस नहीं मिल पा रहे थे। तो आप सोच सकते हैं ना कितना टफ कंपटीशन है। तो ये चीज़ आप समझिए कि आप क्रिटिसाइज डायरेक्ट सिबनिच एफसी को कर रहे हैं। आप ये भी तो देखिए क्या हमारे प्लेयर उनके प्लेयर को कट करके ऊपर निकल सकते हैं, आप ये चीज़ समझिए। और यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि मैं कोई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ संदेश भाई को। मैं संदेश भाई का भी फैन हूँ और इंडिया के बेस्ट डिफेंडर है वो, और अकॉर्डिंग टू स्टेमिच साहब वो वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया भी है। तो वी आर ऑल फैन ऑफ संदेश झिंगन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी है क्रोएशियन लीग के लेवल की बात, तो भाई वो लीग बहुत टफ है। आप समझ सकते हैं ना, वहाँ का क्लब चैंपियंस लीग में जाता है और यूरोपा लीग में जाता है, तो आप सोच सकते हैं उनका लेवल। आप एक खुद दिमाग लगाइए, अभी आप कोई भी इंडियन प्लेयर को चैंपियंस लीग में उतार दो, ठीक है, और परफॉर्म कर पाएगा क्या, सोचिए, खुद सोचिए, कर ही नहीं सकता, क्योंकि लेवल बहुत ही टफ हो जाएगा। तो यही फ़र्क है थोड़ा सा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि संदेश झिंगन को गेम टाइम मिलेगा ही नहीं, तो वो गेम टाइम मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि अभी क्या मैचेस जो हो रहा है वो थोड़े टफ सिचुएशन में हो रहे हैं और सिबनिच के पॉइंट्स भी काफ़ी कम चल रहे हैं। तो अगर हो सकता है कोई निचली टीम आए तो उनसे अगर मैच हो तो संदेश भाई को प्लेइंग टाइम मिल जाए और डेब्यू भी मिल जाए, तो भाई कभी भी उनको गेम टाइम मिल सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा सीजन हो जाता है लेकिन गेम टाइम नहीं मिलता, तो ऐसा भी कई प्लेयर्स के साथ हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना कि एकदम वहाँ पे जाके संदेश भाई एकदम बेस्ट प्लेयर ऑफ द क्रोएशियन लीग बन जाएंगे, ठीक है। बस ऐसा सोचना है कि संदेश भाई को प्लेइंग टाइम मिले ताकि उनको और अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और अभी सिबनिच में जो है 11 डिफेंडर्स हैं और उनमें से 4 को प्लेइंग मिलती है, ठीक है, तो अब आप सोचिए कि कितने वेटिंग में बैठे हुए हैं। और एक और बात है कि उसमें से कई प्लेयर्स ऐसे भी जिनसे संदेश भाई को ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ कुछ प्लेयर्स हैं 19 साल के भी, 20 साल के भी, उनसे संदेश भाई को ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि आप 2 साल तक फरारी चलाइए और 10 साल तक आप आल्टो चलाइए तो कोई मैच ही नहीं है ना। मतलब फरारी आपने 2 साल चलाई वो बहुत अलग लेवल की बात होगी, और आल्टो आपने 10 साल चलाई वो कोई लेवल की बात नहीं है। तो यहाँ पे वो है, संदेश भाई खेले हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो इंडियन लीग वगैरह खेले हैं, और वो लोग 2-3 साल ही उधर खेले, लेकिन वो उधर का टॉप डिवीज़न खेले हुए हैं, तो इसलिए टेक्निकली ज़्यादा बेटर वो प्लेयर्स हैं। और भाई उधर के जो यंग प्लेयर्स भी कितने ज़्यादा क्रिएटिव और कितने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं आपको पता ही है, तो उनकी जगह काटना कितना मुश्किल काम है। मैं भी भाई यूरोप में कुछ यूथ टीम्स के अगेंस्ट खेला हूँ, तो वो इतना ज़्यादा टेक्निकली इतने अच्छे होते हैं ना, तो भाई उनको रिप्लेस करना बहुत ही टफ काम है। तो ये बहुत इजी टास्क नहीं है, जितना अपन सोचते हैं ना कि यार संदेश भाई को प्लेइंग दे दो, संदेश भाई को ये कर दो, ये बोलने में इजी है, लेकिन संदेश भाई को भी खुद पता होगा कि वहाँ कितना खतरनाक स्ट्रगल कर रहे होंगे वहाँ पे, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ISL में भी उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं ले पाते जितना कि उधर अंडर 18 लेवल पे मिल जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितना डिफरेंस है। आप बस ये सोचिए कि संदेश भाई को थोड़ा थोड़ा प्लेइंग टाइम मिलते रहे, जिससे क्या है उनको थोड़ा सा टफ लीग का एक्सपीरियंस मिल जाए। बस मेरे हिसाब से मैं इतना चाह रहा हूँ बस संदेश भाई के फेवर में। और बाकी मैं इतना नहीं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि उनको प्लेइंग 11 मिलेगी, ऐसा कुछ होगा। और भाई देखो, मिल भी सकती है, कोच पर डिपेंड करता है, सब कुछ डिपेंड करता है वो ट्रेनिंग में क्या करते हैं। ट्रेनिंग में अगर वो बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे तो उनको प्लेइंग मिल जाएगी, और मैच में फिर बहुत बेटर परफॉर्म कर दिया तो उनको नेक्स्ट मैच मिल जाएंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है फुटबॉल में। तो भाई एक मैच अच्छा खेला तो आगे के मैच मिल जाते हैं, एक मैच में बेकार किया तो आगे के मैच में चांस चला जाता है, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं, अभी तो बहुत टाइम है लीग खत्म होने में भी, और बाकी कप वगैरह भी है वहाँ पे, तो संदेश भाई को यकीनन यार डेब्यू तो मिलेगा ही और गेम टाइम भी मिले, यही आशा करेंगे हम। और हर इंडियन की यही ख्वाहिश होगी यार कि संदेश भाई को क्रोएशियन लीग में खेलता हुआ देखें, तो यकीनन खेलेंगे यार। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि यार आप ये समझिए कि इतना इजी टास्क नहीं है, थोड़ा टफ काम है। और संदेश भाई अब कितना डेडिकेशन से वर्क करते हैं वहाँ पे, अब उसी पे डिपेंड करता है कि वो फिर टीम में आ पाएंगे। देखो संदेश भाई अभी हर मैच डे के स्क्वाड में तो आ ही रहे हैं,
तो हो सकता है कि आगे मैचेस में उनको चांस मिल जाए। तो आई होप कि भाई आप समझे होंगे कि संदेश भाई को वहाँ पर प्लेइंग टाइम क्यों नहीं मिल रहा है, और आप जो है सच्चाई को थोड़ा सा ग्रहण करें और समझें कि जो लेवल है उसमें बहुत फ़र्क है। टेक्निकली थोड़ा सा ज़्यादा बेटर उनकी ज़रूरत है संदेश भाई को अभी भी, क्योंकि वो इंडिया में तो बेस्ट है लेकिन क्रोएशिया में तो कितने प्लेयर्स हैं ना, कितने टॉप डिफेंडर्स हैं, तो उनके अगेंस्ट कम्पीट करना, उनको रिप्लेस करना इतना इजी काम नहीं है। तो बाकी अब देखते हैं, प्लेइंग टाइम मिलेगा तो खुशी होगी। तो बस आप इसी तरह से भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल रही है और भविष्य में और आएंगी भी ऐसी खबरें। तो बस आप इसी तरह अपना सपोर्ट जो है वो कायम रखिए, और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।